चल बच्चों, क्लास स्टार्ट करते हैं। पार्शियल डिफरेंशिएशन का एक टॉपिक है, दैट इज द यूलर्स थ्योरम। ठीक है, तो सबसे पहले टॉपिक का नाम स्क्रीन पर लिखता हूं मैं और एकदम बेसिक से बताऊंगा, हर एक चीज डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो आपको क्या होगा, इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आप बनाते हो इस टॉपिक से रिलेटेड, कभी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम ले लो या आपके बीटेक का, बीएससी का, कहीं पे भी आप ले लो, तो कहीं परेशानी नहीं आने वाली है अगर आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो। ठीक है, तो चलिए ये टॉपिक का नाम स्क्रीन पे लिखता हूं मैं, यूलर्स थ्योरम। ठीक है, तो यूलर्स थ्योरम को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि होमोजेनियस फंक्शन क्या है। ठीक है, होमोजेनियस फंक्शन। ठीक है, और होमोजेनियस फंक्शन को भी समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि डिग्री क्या है। देखो एकदम बेसिक तरीके से, जहां जहां पे बच्चे फंसते हैं ना, देखो डायरेक्टली क्या ना, आप कहीं पे भी जाओगे, कॉलेज में जाओगे या कहीं पे भी आप पढ़ने के लिए जाओगे, तो टीचर क्या करता है, यूलर्स थ्योरम आपको बताएगा, डेफिनेशन बताएगा, उसका एक फॉर्मूला बता देगा, एन बता देगा कि ऑर्डर है, उसके बाद बोलेगा इस फॉर्मूले के हिसाब से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, बट ऐसा नहीं है। यूलर्स थ्योरम को अगर तुमको अच्छे से समझना है तो सबसे पहले तुमको होमोजीनियस फंक्शन जानना पड़ेगा होता क्या है। होमोजीनियस फंक्शन को भी जानने से पहले आपको जानना पड़ेगा कि डिग्री क्या होता है। ठीक है, हालांकि जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं तो करीब करीब बच्चों को पता होगा कि डिग्री होता क्या है, बट मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि मैं तो ये समझ रहा हूँ ना कि सर, वैसे बच्चे भी देख रहे हैं जिनका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर नहीं है। ठीक है, तो परेशानी किन्हीं को ना आए बस। ठीक है, चलो तो डिग्री क्या होता है, जैसे मान लो वेरिएबल के हाईएस्ट पावर को देखा जाता है, तो मान लो हमने सिंगल वेरिएबल दे दिया, जैसे एक्स क्यूब दे दिया। ठीक है, एक्स क्यूब दे दिया, यही डिग्री है, टॉपिक यही पे डिस्कस कर देता हूँ। एक्स क्यूब दे दिया, मैंने बोला भैया डिग्री बताओ, तो इसका पावर तुमको देखना, पावर क्या है, थ्री, तो तुमने बोल दिया सर थ्री डिग्री है इसका, थ्री ऑर्डर का, सॉरी डिग्री थ्री। ठीक, इसके बाद अगर मैंने आपसे बोला कि वन अपॉन एक्स क्यूब है ना, इसका डिग्री बताओ क्या, तो अब तुम क्या बोलोगे, वन अपॉन एक्स क्यूब है ना, तो उसको जब न्यूमरेटर में लेकर के जाओगे तो क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में लेके जाओगे तो ये हो जाएगा एक्स माइनस थ्री, तो इसका डिग्री हो गया माइनस थ्री, क्योंकि हम पावर को देखेंगे। ठीक, अब मैं दो वेरिएबल देता हूं, एक्स स्क्वायर एंड वाई क्यूब, अब मैं बोला कि इसका डिग्री बताओ क्या होगा, तो देखो एक्स है वाई है, ठीक है, दो वेरिएबल है, अब दो वेरिएबल का करना क्या है, पावर को ऐड कर देना है, तो टू एंड थ्री है ना, तो टू प्लस थ्री कर देना और यू विल गेट फाइव, तो फाइव क्या हो गया, फाइव इसका डिग्री हो गया, अगर दो वेरिएबल दिया रहेगा तब। ठीक है, इन केस अगर आपको कोई कांस्टेंट टर्म दे दिया किसी वेरिएबल के साथ, फिर क्या करोगे, तो बहुत बच्चे दिक्कत करते हैं। ठीक है, क्या इसमें करते हैं, जैसे एक स्क्वायर दे दिया मैंने, एक्स क्यूब दे दिया। ठीक है, अब बच्चों को पता होता है कि सर ने बताया था कि पावर ऐड हो जाता है, तो यहाँ पे टू प्लस थ्री यहाँ पे भी कर देते हैं और फाइव लिख देते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि ए जो है ना ये कांस्टेंट टर्म है, मैंने क्या बोला था, डिग्री निकालने के लिए आपको वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी, कांस्टेंट टर्म को आपको इग्नोर मारना है, तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म को इग्नोर मार दीजिए, तो एक्स बचा, एक्स का पावर क्या है, थ्री, तो बस इसका डिग्री जो है वो थ्री होगा ना कि फाइव होगा, आया समझ। चलिए, अगर मान लो फिर मैंने ऐसा दे दिया आपको, एक कांस्टेंट टर्म दे दिया, दो वेरिएबल दे दिया, ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दे दिया, तो अभी सभी बच्चे बोल पाएंगे कि यहाँ पे इसकी डिग्री क्या है, कांस्टेंट को इग्नोर मारना है, दो वेरिएबल है, पावर को ऐड कर देना, टू टू प्लस फोर, तो इसका डिग्री क्या हो गया, आई होप सभी बच्चों को डिग्री से रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, डिग्री तो सब समझ में आ गया, अब आप होमोजेनियस फंक्शन बताइए, है ना। चलिए लिखते हैं टॉपिक का नाम, होमोजीनियस फंक्शन। ठीक है, तो होमोजीनियस फंक्शन का सबसे पहले आपको डेफिनेशन बताते हैं कि डेफिनेशन है क्या। अ फंक्शन जेड इक्वल्स टू एफ एक्स कॉमा वाई इज
सेट टू बी, इज सेट टू बी होमोजीनियस, इज सेट टू बी होमोजीनियस इफ इफ ईच टर्म, इफ ईच टर्म z equals to f of x comma y have same degree. ठीक है, इसीलिए डिग्री का कॉन्सेप्ट आपको बताया था क्योंकि डेफिनेशन में डिग्री यूज हो रहा था. ठीक है, तो डिग्री का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया. मतलब किसी भी फंक्शन को हम होमोजीनियस तभी बोलेंगे जब ईच टर्म हैव द सेम डिग्री. अब बोलो सर एक एग्जांपल देके समझाओ. तो एग्जांपल देके समझाते हैं. एग्जाम्पल ले लो आप, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई. देखो इसका डिग्री क्या है, टू. इसका डिग्री क्या है, टू. इसका भी डिग्री क्या है, टू. तो इसको हम लोग बोल देंगे होमोजीनियस फंक्शन, होमोजीनियस फंक्शन ऑर्डर टू. डिग्री टू बोलेंगे. डिग्री टू, ठीक है. अब तुम बोलोगे सर एक और एग्जांपल देकर के समझाओ. एक और एग्जांपल देकर समझाते हैं. अब फर्स्ट एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल है u equals to x4 plus y की पावर में 4 अपॉन x plus y. अब मैं बोलूंगा इसका, ये बताओ, सबसे पहले बताओ कि ये होमोजीनियस है या नहीं है. तो होमोजीनियस बताने से पहले आपको क्या बताना पड़ेगा, सर ईच टर्म हैव द सेम डिग्री. तो देखो न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर देखो, न्यूमरेटर क्या है, 4. डिनोमिनेटर क्या है, 1. तो ये भी 4, ये भी 4, ये भी 1, ये भी 1. तो ये होमोजीनियस फंक्शन है. ठीक है, ये होमोजीनियस फंक्शन कब नहीं होता, जब u इक्वल्स टू एक्स फोर प्लस वाई क्यूब होता और x प्लस वाई होता. अब देखो ऊपर वाला पूरा का पूरा न्यूमरेटर ये 4 दे रहा है तो ये 3 दे रहा है, तो ये होमोजीनियस नहीं होगा. चेक, अब तुम बोलोगे सर होमोजीनियस तो हो गया बट इसका डिग्री बताइए सर, डिग्री क्या होगा. तो मैं बोलूंगा कि पावर 4 है, ऊपर का पावर क्या है 4, ठीक है, नीचे का पावर क्या है 1, माइनस कर देंगे तो ये 3 उसका क्या हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा. ठीक, अब आप लोग बोलोगे सर क्या कोई मेथड नहीं है डिग्री फाइंड आउट करने का. एकदम मैटर है डिग्री फाइंड आउट करने का. चलिए बताते हैं डिग्री फाइंड आउट करने का मैटर क्या है. तो सबसे पहले आपको डिग्री फाइंड आउट करने का जो मैटर मैं बताने जा रहा हूं, तो सबसे पहले आपको एक इक्वेशन लिखना पड़ेगा. क्या लिखना पड़ेगा, इक्वेशन. ठीक है, z इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल्स टू ए नॉट एक्स की पावर में एन प्लस ए वन एक्स की पावर में एन माइनस वन वाई प्लस ए टू एक्स की पावर में एन माइनस टू वाई स्क्वायर डॉट 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 प्लस ए एन वाई की पावर में एन. ठीक है, ये आपको दिया गया है. अब आपको बोलना है कि ये जो इक्वेशन है ये होमोजीनियस है या नहीं. तो हर एक वेरिएबल का मतलब कि हर एक टर्म का देख लो डिग्री क्या है, डिग्री देख लो क्या है. तो देखो यहाँ पे डिग्री सर एन आ रहा है क्योंकि एक ही वेरिएबल है वाई, उसके पावर एन है सर. यहाँ पे क्या है सर डिग्री, तो देखो ये टू है, ऐड हो जाएगा. तो देखो एन माइनस टू प्लस टू, तो टू टू कैंसिल आउट हो गया एन. तो यहाँ पे भी डिग्री डिग्री एन आ रहा है. यहाँ पे भी क्या है, पावर क्या है एन माइनस वन और वाई का पावर क्या है प्लस वन, तो वन वन कैंसिल आउट हो गया. यहाँ पे भी एन आ रहा है, यहाँ पे भी एन आ रहा है. तो मतलब सबका डिग्री एन आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, होमोजीनियस फंक्शन हो जाएगा. ठीक है, होमोजीनियस फंक्शन हो गया. अब क्या है कि इस होमोजीनियस वाला जो फंक्शन है इसको हम और किस किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. दो तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. कैसे, अगर मान लीजिए z इक्वल्स टू आपने कॉमन ले लिया x की पावर में n, तो x की पावर में n कॉमन ले लोगे तो अंदर बचेगा a नॉट प्लस a वन y अपॉन x, है ना. फिर क्या बचेगा, प्लस ए टू वाई अपॉन एक्स, ठीक है, डॉट 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 डॉट. ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये टू हो जाएगा. ठीक है, डॉट 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 डॉट
ए एन वाई के पावर में एक्स रिस्ट पावर एन। ठीक है, अब क्या हुआ कि जेड इक्वल्स टू एक्स की पावर में एन, और इस पूरे टर्म को हम लिख सकते हैं एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स, क्योंकि वाई अपॉन एक्स के टर्म में सारा कुछ है। ठीक है, हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर किसी भी टर्म को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं तो हम लोग बोलेंगे वो होमोजीनियस फंक्शन है, और यहाँ पे एन जो है वही डिग्री है। ठीक है, तो इस तरीके से आप डिग्री भी फाइंड आउट कर सकते हो। अब तुम बोलोगे सर आपने एक्स की पावर में एन कॉमन लिया, तो सर अगर मैं वाई की पावर में एन कॉमन एकदम ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने यहाँ पे मैं कलर चेंज कर देता हूं, अगर आपने जेड इक्वल्स टू वाई की पावर में एन कॉमन ले लिया इस ऊपर वाले टर्म से, ठीक है, अभी ऊपर वाले टर्म से ही मैंने एक्स रिस्ट पावर एन कॉमन लिया था, अब ऊपर वाले से ही मैं वाई की पावर में एन कॉमन लिया, तो वाई की पावर में एन अगर मैंने कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा, ए नॉट एक्स अपॉन वाई रिस्ट पावर एन प्लस ए वन एक्स की पावर में वाई अपॉन एन माइनस वन डॉट 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 प्लस ए एन की पावर में, ये बचेगा। ठीक है, तो जेड इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, वाई की पावर में एन और ये एक्स की पावर में सॉरी एक्स अपॉन वाई के टर्म में सारा कुछ है, तो इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स अपॉन वाई। अगर मैं किसी भी फंक्शन को इस फॉर्म में लिख पाऊंगा तो मैं बोल दूंगा होमोजीनियस फंक्शन है, और फिर से बोलूंगा कि एन जो है वो यहाँ पे डिग्री है। ठीक है, अब इसी मेथड को यूज करते हुए अभी मैं डिग्री बताऊ, जो दो क्वेश्चन मैंने कराया था ना यहाँ पे, दो ये जो एग्जाम्पल लिए थे, ये दो एग्जाम्पल लिए थे, इसी दोनों एग्जाम्पल को लेते हुए अभी हम डिग्री फाइंड आउट करेंगे इसी मेथड से जो कॉमन हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, डिग्री तो पता चल रहा है यहाँ पे कि सर ये टू है, ये टू है, इसका भी टू है तो डिग्री टू हो गया, इसका भी डिग्री थ्री बता दिया, तो अब उस मेथड से क्या आ पा रहा है या नहीं आ पा रहा है, लेट्स सी। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में अगर मान लो कोई अगर कोई बीटेक वाला बच्चा देख रहा है तो जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए कर रहा है एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा उसको तो दिखाना नहीं होगा, बट जो बच्चा बीटेक बीएससी के लिए पढ़ रहा है मेरा वीडियो देख रहा है तो उसको तो सिस्टमेटिक वे से दिखाना पड़ेगा ना एग्जामिनेशन में। चलिए करते हैं। क्वेश्चन था आपका z इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई। ठीक है, तो हमने बोला कि एक्स स्क्वायर ले लो कॉमन बाहर, तो एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो वन प्लस ये क्या हो जाएगा वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर हो गया प्लस टू y upon x हो गया, तो each term देखो y upon x के form में आ गया ना, एकदम सही है, तो y square f of y upon x आ गया, तो ये आपका क्या हो गया degree आ गया, find out, क्योंकि z equals to हम इसको x के बारे में n f of y upon x के format में लिख पा रहे हैं, और n क्या बोले थे degree है, तो यहाँ पे क्या हो गया टू, तो degree क्या हो गया टू। ठीक है, अब वो वाला question देख लेते हैं, question क्या था, u equals to x की पावर में 4 प्लस y की पावर में 4 अपॉन x प्लस y। ठीक है, चलिए फाइंड आउट करते हैं इसको। अब यहाँ पे कॉमन ले लो, u equals to मैंने कॉमन ले लिया ऊपर उससे x की पावर में 4, तो x की पावर में 4 लिया तो 1 प्लस बन गया y की पावर में x रेस्ट पावर 4। ठीक है, और नीचे हमने ले लिया x, तो यहाँ पे क्या बचा 1 प्लस y की अपॉन x। ठीक है, तो u इक्वल्स टू अब देखो यहां से एक कट जाएगा तो x क्यूब बचेगा, x क्यूब बचा और ये पूरा का पूरा टर्म हमारा y अपॉन x के में है ना, तो f ऑफ y अपॉन x हम लोग लिख ही सकते हैं उसको, है ना, तो जब लिख सकते हैं तो ये n होता है और ये ऑर्डर क्या हो गया हमारा 3 हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप डिग्री निकाल के यहाँ पे मैं ऑर्डर लिख दे रहा हूँ बार बार। ठीक है, इस तरीके से आप डिग्री निकाल करके दिखा सकते हो एग्जामिनेशन में। ठीक है, और बाकी जो कॉम्पिटिटिव वाले बच्चे हैं वो तो एकदम जैसे मेथड से बताया मैंने आप वैसे ही करते हैं। ठीक है, पहले होमोजीनियस चेक कर लेना, होमोजीनियस है तो होमोजीनियस कब होगा भैया, जब ईच टर्म का डिग्री सेम होगा। ठीक है, चलिए ये बातें तो पूरी हो गई। सर आपने तो टॉपिक का नाम बताया था एलोस थ्योरम, अभी तक तो आपने स्टार्ट भी नहीं करा एलोस थ्योरम, है ना, अभी आप बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बता रहे हैं, चलिए एलोस थ्योरम बताते हैं। एलोस थ्योरम एकदम छोटा सा चीज है। ठीक है, अब क्या है कि नेक्स्ट वीडियो में भी जब मैं आऊंगा ना तो एलोस थ्योरम
के क्वेश्चंस को कराऊंगा अच्छे तरीके से, ठीक है। अभी तो अच्छे से कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि कैसे हम यूलर्स थ्योरम को यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए यूलर्स थ्योरम लिखते हैं। देखो कॉन्सेप्ट जानना ना बहुत जरूरी है, नहीं जानोगे डायरेक्टली मैं फॉर्मूला बताऊंगा, बोलेंगे ये फॉर्मूला को अप्लाई करते हुए क्वेश्चन बनाओ, मजा नहीं आने वाला, ठीक है। अब कोई भी आपसे होमोजीनियस के बारे में पूछेगा, तुरंत तुम बता सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो, हाँ ये चीज होमोजीनियस है, फिर आप आइडेंटिफाई कर सकते हो डिग्री कितना है, ठीक है। तो वो सब पता कर लेने के बाद यूलर्स थ्योरम एकदम काफी इजी होने वाला है। तो डेफिनेशन क्या है यूलर्स थ्योरम का, बोल रहा है इफ यू ऑफ एक्स इज होमोजीनियस, और आपको अभी खुद पता चल जाएगा सर होमोजीनियस एंड डिग्री के ऊपर इतना कॉन्सेप्ट क्यों बताया, फंक्शन ऑफ डिग्री एन इन एक्स एंड वाई, देन एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इक्वल्स टू एन यू, ठीक है, क्लियर है। अब जरा ध्यान से देखना, अगर मैं आपको बोलूं कि जैसे मेरा यू था यू इक्वल्स टू एक्स फोर प्लस वाई की पावर में फोर अपॉन एक्स प्लस वाई, और मैंने बोल दिया फाइंड आउट एक्स डेल यू बाय डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई, मैं बोलो ये फाइंड आउट करो, ठीक है। तो आपके पास एक मेथड तो ये है जो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग से बता रखा है कि पहले इसका डेल यू बाई डेल एक्स निकालना, फिर इसका डेल यू बाई डेल वाई निकालना, फिर एक्स से मल्टीप्लाई करना, फिर वाई से मल्टीप्लाई करना, यू विल गेट द आंसर। काफी लंबा लग रहा है ना, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आएगा तो इतना टाइम तो दे नहीं पाओगे, ठीक है। और जो बी टेक बी एस सी ये वाले बच्चे देख रहे हैं तो आपको तो इसी मेथड से करना है, अगर जब तक यूलर्स थ्योरम ना बोल दे, ठीक है। और हालांकि आपको देखना भी है कि कितने मार्क्स का पूछा गया, अगर बहुत ही कम मार्क्स का पूछा गया तो क्यों इतना दिमाग लगाओगे, यूलर्स थ्योरम आपके पास है या यूज कर लेना, ठीक है। तो यूलर्स थ्योरम क्या बोलता है कि अगर ये फाइंड आउट करने के लिए बोले तो डायरेक्टली आप एन यू, इसका रिजल्ट क्या होता है एन यू, तो ये तभी तुम अप्लाई कर सकते हो जब तुम चेकआउट कर लो कि ये वाला जो गिवन क्वेश्चन है वो होमोजीनियस है या नहीं है, क्योंकि पहले ही बोल दिया इफ यू ऑफ एक्स इज होमोजीनियस फंक्शन, अगर होमोजीनियस फंक्शन है तो डिग्री भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, इसलिए मैंने इतना टाइम दिया होमोजीनियस फंक्शन और डिग्री के ऊपर। तो अभी इस क्वेश्चन का हम लोगों ने देख लिया था होमोजीनियस फंक्शन है या नहीं है, एकदम है होमोजीनियस फंक्शन, और हम लोगों ने डिग्री भी देख लिया था इसका, है ना, डिग्री भी इसका क्या था 3 था, ठीक। तो आपको सिंपली करना क्या है यहाँ पे, एकदम यूलर्स भाई साहब ने इसको एकदम आसान कर दिया कि भैया इतना लंबा मेथड मत करिए, क्या कीजिए एन, एन मेरा डिग्री है, डिग्री इसका क्या है 3, यू लिख दीजिए, ठीक है। अब 3u का मतलब क्या है, 3 u तो मेरा क्वेश्चन है, बस लिख दो x की पावर में 4 प्लस y की पावर में 4 अपॉन x प्लस y, सो सिंपल, कितना इजी हो गया। अगर यूलर्स थ्योरम पता होगा तब, नहीं पता होगा तो बहुत ही लंबा मेथड से करना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, आगे का इसका कॉन्सेप्ट बताएंगे, एमसीक्यू क्वेश्चंस कराएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, न्यू कॉन्सेप्ट न्यू वीडियो के साथ, टिल देन बाय बाय, टेक केयर। अगर हाँ एक बात और, जाते समय मैं ये बोल के जा रहा हूँ आप लोगों को, अगर आपको इसका प्रूफ डेट जानना है कि सर ये आया कहाँ से, तो इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा और डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां से आप चेकआउट कर लेना कि ये रिजल्ट आया कैसे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू कॉन्सेप्ट न्यू वीडियो के साथ, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।